नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दर्शक। आज बात करेंगे इस देश के अखबार और टेलीविजन की। और दिलीप मंडल ने लिखा है, सवर्ण मीडिया वो उसको कहते हैं, ये जो गोदी, जो लोग भी गोदी मीडिया इस कहते हैं ना इस देश की मीडिया को, वो बड़ा झूठ बोल रहे थे। गोदी मीडिया का मतलब होता है सत्ता के प्रभाव में आना, पैसे के प्रभाव में आना। अगर मीडिया सत्ता के प्रभाव में और पैसे के प्रभाव में आती तो मायावती की सरकार होती तो मायावती की भाषा बोलती, अखिलेश यादव की सरकार होती तो अखिलेश यादव की भाषा बोलती, लालू यादव की सरकार होती तो लालू यादव की भाषा बोलती। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। इस देश में ईमानदारी से पत्रकारिता होती है जब कोई गैर सवर्ण सीएम या पीएम होता है या सत्ता में होता है या सरकारी हो, कर्मचारी हो या कुछ भी। अगर आप एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी हैं और आप कुछ भी गलत करते हैं तो मीडिया ईमानदारी से अपना काम करती है। मीडिया वहां चुप जाती है जहां कोई गैर सवर्ण न हो। तो सवर्ण के साथ मीडिया की दोस्ती है और इसलिए इसको कहा गया है सवर्ण मीडिया। और यहाँ जाति के आधार पर मीडिया काम करती है। तो दिलीप मंडल लिखते हैं ये झूठी खबरें देते हैं, जातिवाद फैलाते हैं, सांप्रदायिक हिंसा फैलाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, औरतों को वस्तु समझते हैं, सरकार की भक्ति करते हैं, झूठी खबरें देते हैं। मतलब गोदी मीडिया जो है, जिसको आप गोदी मीडिया कह रहे हैं, उसको जो सवर्ण मीडिया, जातिवादी मीडिया हम लोग कहते हैं, वो लगातार झूठी खबरें देता है। मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि किस तरह की झूठी खबर देता है। जैसे इन्होंने पहले कहा कि 2.5 किलोमीटर चीन पीछे हट गया, ये झूठी खबर है। ये सरकार, ये ऐसी खबरें क्यों की जाती है? ऐसी खबर इसलिए की जाती है कि सरकार की छवि बनी रहे, लोगों में गुस्सा न भर के। और यही जब दूसरे की खबर रहेगी तो उसको बढ़ा चढ़ाकर, जैसे यूपी में एक खबर चलाई गई थी कि यूपी में सारे एसडीएम यादव हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं थी। जबकि आज सारे सवर्ण आईएएस आईपीएस कलेक्टर थाना प्रभारी बताए जा रहे हैं। तो इस तरह से जातिवादी फैलाते हैं। ये कभी भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की सफलता को नहीं दिखाएंगे, लेकिन उनकी मारपीट को दिखाएंगे, उन पर अत्याचार को दिखाएंगे ताकि बाकी लोग डरे रहें। ये कभी भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के अधिकारों की बात नहीं करेंगे, आरक्षण के पक्ष में कैंपेन नहीं चलाएंगे जो कि संवैधानिक अधिकार है। तो इसीलिए इसको जातिवादी कहते हैं, सांप्रदायिक हिंसा फैलाते हैं। मीडिया जो है उसका पूरा का पूरा चरित्र है, वो कभी भी, चाहे वो सिख समाज के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, जो भी माइनॉरिटी के लोग हैं उनके खिलाफ वो बहुसंख्यक धर्म की चीजों को दिखाएगा। जो अल्पसंख्यक समाज जिस तरह की पूजा व्यवस्था करते हैं, जैसे वो तमाम जो सनातन धर्म के पूजा पाठ है उसको दिखाएगा, रामनवमी दिखाएगा, दुर्गा पूजा दिखाएगा, छठ तक दिखाएगा। लेकिन वो बाबा साहेब के परिनिर्वाण पर जो चैत्य भूमि लोग जुड़ते हैं, बाबा साहेब की जयंती पर जो पार्लियामेंट स्ट्रीट पर आते हैं, जबकि लाखों लोग चैत्य भूमि पर, दीक्षा भूमि पर जिस तरह से लोग आते हैं, उसको नहीं दिखाएगा। तो इसीलिए इसको कहा गया सांप्रदायिक मीडिया। अंधविश्वास फैलाते हैं, ये सुबह शाम अंगूठी बेचते हैं, ये सुबह शाम सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण न जाने क्या क्या बात पर ये गाय दूध पी रहा है, पत्थर दूध पीता है, इस तरह की खबरें बताते रहते हैं। आलू में हनुमान गणेश प्रकट हुए, तो इस तरह का ये क्रमकांड भी फैलाते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको अलग ले आते हैं। औरतों के बारे में एकदम वही परसेप्शन है इसका, जो जाति को लेकर भेदभाव है वही महिलाओं को लेकर भी एंटी वुमेन है। और सरकार अगर सत्ता में सवर्ण सरकार हो तो उसकी भक्ति में ये जुड़ जाते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है और जिस तरह से उन्होंने लगातार कहा है उससे साफ है। एक राहुल गांधी के जैसे ट्वीट को लेकर खबर चली सरेंडर मीडिया, एक स्पेलिंग को लेकर, तो उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन अब आपको दिखा दे रहा हूं कि मीडिया कैसे अपनी भूमिका बताती है। अजय कबीर ने लिखा है, स्वतंत्र मीडिया का मतलब सुबह से शाम तक बुजुर्गों के विचारों से आपकी खोपड़ी फूल कर देती है, मतलब जो ताकतवर लोग हैं, और बाकी समय में ग्रह नक्षत्र राशि और ग्रहण के मुक्तापूर्ण अंधविश्वास को बांचने वाले महावैज्ञानिकों को बैठाकर सबको हाथ पैर वाले गधे में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसलिए सरभरा की तनाशाही पर इन पर डंडा चलना अनिवार्य कदम हो जाता है, ये उन्होंने लिखा है। आप और एक और इस पर मैं बता दूं किस तरह से मीडिया की भूमिका होती है और उस पर क्या काम होता है। एक सटीक विश्लेषण लिखा गया है कि दो साधु मारे गए, टीवी चैनल वाले सोनिया गांधी से जवाब मांग रहे थे, चीन ने 20 जवान सहित किए, कोई भी चैनल पीएम से जवाब नहीं मांगा। तो सोचिए सरकार को आंचना, इसके लिए मीडिया चैनल जो है 20 जवान के शहीद पर भी कोई बहस नहीं चलाते हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और लगातार वो एक खबर ऐसी चलाई जाती है जिससे सरकार की छवि को नुकसान न पहुंचे। जैसे अभी कुछ दिन पहले दैनिक जागरण ने एक पोल करवाया था, क्या चीन के साथ तनाव के मसले पर राहुल गांधी के बयान उचित है, तो 72% लोगों ने कहा कि हाँ सही है। इसके बाद इस पोल को हटा लिया गया क्योंकि इससे सरकार की किरकिरी हो रही थी। तो इस तरह से मीडिया जो है भारत की, वो लगातार एक ही तरह के लोगों से भरा हुआ है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मीडिया को बिल्कुल मत देखिए, उस पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वो सत्ता के साथ साथ उसका एक कैरेक्टर है, वो है जातिवाद।
तो जो लोग सत्ता में है उसके आगे पीछे तो वो करती ही है, लेकिन जाति की वजह से इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है उसका रिप्रेजेंटेशन उसमें नहीं है। तो मीडिया की भूमिका को लेकर आपको सचेत रहना पड़ेगा, और मीडिया कुछ भी कहे आप उस पर भरोसा मत कीजिए। अभी सोशल मीडिया है, तमाम तरह की दुनिया भर की वेबसाइट है, उसके जरिए क्रॉस चेक कीजिए, आप देखेंगे कि इस देश की जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं सरकार के बचाव की मुद्रा में होती है। और उसका उसकी सबसे बड़ी वजह है कि मीडिया में एक ही तरह के लोग हैं, और इस देश में वही 15% आबादी वाले लोग हैं जो मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पर कब्जा जमाए हुए हैं, और उनसे आप नैतिकता की, डाइवर्सिटी की, बराबरी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, इसका विकल्प क्या है, सोशल मीडिया क्या टीवी अखबार की जगह ले रहा है, आपको उस पर ज़्यादा भरोसा है, तो अपना अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।